आई साहब नमस्कार प्रणाम बाबा एक रोगा सब लोगन के बीच में बाबा फिर ही पगली विराह लेके आइल बा अरे बाबा पगली हाय विराह के रोगा सब लोग देखी आ सुनी हम रोगा सब लोगन को इंतजार करब कौना चीज का कौना चीज का कमेंट के जितना रोगा सब लोग कमेंट करब हम हर एक कमेंट के पढ़ब आ इंतजार करब विराह में कवि जी चार लाइन का भूमिका दी हलन है कैसे जिंदगी का सफर बाध कर डोर में चांद तारों से रंगत सजाता है पैसा इसी के बदौलत कलह भी है जारी जरा में भी नफरत कराता है पैसा रो रही हिंदी माता जो सुन करी कहानी एक कुदरत का हिम्मत हुआ फेल है एक परिवार की निर्मम हत्या हुई इटावा शहर का खुली खेल है विराह सुनने वाले साथी गौर करेंगे बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया रुपया आज ए दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व दिहल गई सच्चाई बता दी साहब जेकरे पास बहुत धन बा दौलत बा रुपया बा आ रुपया के साथ साथ में बगलिया एक ठे रिवाल्वर खोस लेते ना अनाश रस्तावा में चलत भैया भैया गोल लगत नहीं भैया पा लगी भैया का हाल चाल बा लेकिन वही दरे ये बाबू जेकरे पास पैसा नहीं बा जेकरे पास पैसा नहीं बा ओके केहू पूछत नहीं बा बल्कि उसे कतरिया के लोग जलन कि वो सरवा के बगली कहीं मत जा नहीं तो कुछ कह दे कुछ मांग ले कुछ मदद करे के पर जाई बारे ये दुनिया बारे ये जमाना विशाल भैया कहे के बा विरह में एक ठे कौआली लग गई लड़की से कहे कि तोहरा से हम बड़ा प्यार करीला लड़किया पहली पहली मुलाकात में एक ठे बात हो लड़कवा से कहलस का कहे इहे कहे कि अरे अखिया से लेला प्यारी के आंख से इशारा से अरे अखिया से लेला प्यार के न्योता ये बलम
लेता ये बलून अखिया से ले लो प्यार लेकिन बिरहा के भाव में कवि जी लिखत हुवन कैसे कैसे कि अरे मालिक बारे दुनिया का मालिक ए मालिक है दुनिया में का हो रहल बा दिल के अरमान बा अरे मालिक ये तेरी दुनिया में अरे मालिक ये तेरी दुनिया में अब क्या ये हो रहा है मालिक ये तेरी दुनिया में अब क्या ये हो रहा है मालिक ये तेरी दुनिया में अब क्या ये हो रहा है मालिक ये तेरी दुनिया में अब क्या ये हो रहा है धरती भी रो रही है गगन रो रहा है दुनिया में कैसन कैसन लोग हो ने भैया पैसा के प्रति बतावल गई पैसा का से का करा देवेला ए भैया बिरहा का कहानी शुरुआत हो गई नजम का लाइन लगल कभी पैसा सुनो मेहमान बना देता है कभी मेहमान से हैवान बना देता है जिला इटावा विजय नगर जो निराला है बाबू रणवीर सिंह का जहां बोल बाला है माँ के गोद में न सुनो एक दुलार रहे 80 बीघा के रणवीर कष्टकार रहे इंदु बिना रेखा से भरल बा अंगनवा हो इंदु बिना रेखा से भरल बा अंगनवा हो तीनों बहन का लगल पढ़ाई में मनवा हो कहानी के समझ लिए साहब जिला इटावा में एगो माना जाना परिवार के कहानी बा जेकर नाम रणबीर सिंह बतावल गई ए भैया रणबीर सिंह के भगवान बेटा एक न दिल रोलन बिटिया 3 गोरली जौन की रणबीर सिंह के बेटी का नाम बड़ी बिटिया का नाम इंदु बा माझिल बिटिया का नाम बीना बा सबसे छोट बिटिया का नाम रेखा बा ए बाबू तीनों बिटियन के पढ़ावत लिखावत हुवन एक दिन रणबीर सिंह कलन की बेटी तू लोग हमार जिगर का टुकड़ा हो तो के हम बेटी ना बेटा जैसन पालल पोसल चाहत नहीं ए भैया रणबीर सिंह का बेटी तीनों पढ़े लगली प्रमाण मिलल पेपर पत्रिका द्वारा कि दू गो बेटी LLB कैली और एगो बेटी BA कैलस ए भैया धीरे धीरे बिटिया तो तीनों सयान बड़ी रणबीर सिंह सोचे लगलन कि काश हम अपने बेटी का ब्याह कर देती ए भैया यही में देखी
रेखा सोचे लगल कि बाबूजी ब्याह करे के सोचत हुन मम्मी से बतियावत रहलन, लेकिन सबसे पहले बड़की दीदी का ब्याह हुई। इतने में हम अपन कुछ काम को ली। ए भैया देखी दिल्ली में जाय के सहारा इंडिया में रेखा नौकरी पा गई। सारा इंडिया में रेखा नौकरी करे लगल। यार ए भैया बिना घर में बिटू पार्लर का दुकान खोल लेलस। बचल बड़की बिटिया। बड़की बिटिया के बाबूजी सोचे लगलन कि बेटी का ब्याह कर दी। ए भैया बड़की बिटिया का ब्याह कैलन हो सुरेंद्र सिंह से। आ जब सुरेंद्र सिंह से ब्याह भइल हो बाबू, तो देखी धीरे धीरे जब नात रिश्ता जुटेला भैया, तो अपन रिश्ता में आना जाना सब शुरू हो जाला। वही तरीका से सुरेंद्र सिंह आना जाना शुरू कर दिहलन। आ जब आना जाना शुरू कैलन, तो भइल का बिरह में पहली गीत लगल, बड़ा चौचक गीत बा भैया। अब बड़ा ऐसा निकल गई। जानत हुआ विशाल भैया मेहरारू कहलस कि हमार राजा जी तो हमसे कोनो मतलबे न रखत हुआ। एक बात कहलस का कहे, चढ़ली जवानी जब टूटे अंगड़ाई के, अरे चढ़ली जवानी जब टूटे अंगड़ाई के, सजनवा भजनवा गावेला रजिराई के, सजनवा भजनवा। एक ठे बात यौरी कहलस, जब जब देहिया छुएला पलाई के, जब जब दहिया छुएला पलाई के, सजनवा भजनवा गावेला रजिराई के। लेकिन है भैया बिरह सुनने वाले साथी गौर करेंगे, आज देखी आना जाना शुरू भइल बा, नया नया दमाद बा। उन्ने का दमदा ए बाबू दू बार आइल बा, जब तीसरका बार अइलस तब देखी ओकरा मन में दिमाग में घुसता का घुसल, जिंदगी में जहर सहल सब ही के भोलल, अरे जिंदगी में जहर चाहल सब ही के भोल, धनवा पे मनवा दमाद के बडोल, धनवा पे मनवा दमाद के बडोल, धनवा पे मनवा दमाद के बडोल। ए भैया आना जाना शुरू बा, जब तीसर की बार अइलन है दमाद जी, तो सोचे लगलन कि हमार दू गो साली बाड़ी सो भाई तो इन्हनी के ना हुआ, ये हमनिये कहोई काहे नहीं, पहले से हम खींचे के शुरू करी। होत काबा भैया ससुरारी में सुरेंद्र तब सचेला मानवा, हाँ।
बतिया बना के तबले हिंदू से बोलल बतिया बना के तबले हिंदू से बोलल धनवा पे मनवा दमाल के बदोल सुरेंद्र सिंह सोचे लगलन कि हमरा ससुर के पांच बड़ा दौलत बा धीरे धीरे कोई के हम रुपया अपने ओर खींची भइल का भैया मनवे मन सोचत हुन आइहे बतिया जाए के अपने दुल्हिन से कहलन कि देखबू न हो हमके कुछ पैसा का जरूरत बा कितना पैसा का जरूरत बा यहर सुरेंद्र सिंह बतावत हुन का बतौलन भैया बिरहा में गीत चेंज हो गई कोनो दुलहिन का दुलाहा बड़ा मानत रहे एक दिन दुलहिनिया कबीदाई भइल अपना नैहर में आई सखी सहेलर मिल के पूछे लगली का हो सखी अरे गई रलू है तो खूब नून बुदरी कटल है ना तब उस सहेली अपना सहेली से बतावे का बतावे इहे कहे सुतेला बलमुआ को रमे दोई के सुतेला बलमुआ को रमे दोई के कोनो छीना से कमूल कर कोनो छीना से कमूल कर चुम्मन नहीं के कोनो छीना से लेकिन देखें बिरहा पे गौर करेंगे साहब ये रुपया का से का करावेला सुख दुख में कामे सबके आवे पैसा सुख दुख में कामे सबके आवे पैसा केहू केहू के खुनवा करावे पैसा केहू केहू अपने औरत से सुरेंद्र सिंह कहलन एमे देखी ओ सुरेंद्र सिंह के केहू सुरेश कही के बोलावे त केहू सुरेंद्र सिंह कही के बोलावे ए भैया उ सुरेंद्र सिंह अपने दुल्हन से कहलन का कहलन 1 लाख रुपया के बाटे जरूरी पापा से कही दा हमार मजबूरी एक लाख रुपया के बाटे जरूरी पापा से कह दा हमार मजबूरी जेके चाहे वो के मुआवे पैसा हा जेके चाहे वो के मुआवे पैसा केहू के खुनवा केहू के खुनवा करावे पैसा केहू के अपने मेहरारू इंदू से कलन की ए इंदू एक ठे काम करा
हमके 1,00,000 रुपया पापा से दिलवा दा, हमके बहुत जरूरी बा, हमरे 5 पैसा हो जाए तो हम पापा के वापस कर दे। ए भैया, इंदु कलश की अभी जल्दी जल्दी में शादी विवाह भइल, इतना खान खर्चा भइल, इतना रुपया लगल, अब पापा कहाँ से रुपया दे दीहन, पापा कहाँ कमात हुवन। ए भैया, सुरेंद्र लगल खिसियाए, कलश ना काबू तब बड़ा दिक्कत हो जाए। कलश काहे खातिर देखा कुछ कैसे हूँ मेंटेन कैला, लेकिन ए बाबू देखी खिसिया के सुरेंद्र चल दिहल। आ जब सुरेंद्र चलल त गइल कहाँ, अपने घरे। जब अपने घरे गइल त देखी भकुआ के एक जगह बैठल बा, तबले ओकर एक ठे दोस्त आइल, पूछता ए दोस्त काहे मन गिरा के बैठल बड़ा। तब भइल का बिरह में गीत चेंज हो गइल। लाइन बा, कोनो दुलाइन का दुलाहा कटनी करावल चाहता, उ दुलाइन कहे कि ये राजा जी है शरीर तो शरीर बा, लेकिन है जोन साड़ी जोन पहनौले बड़ा ना, इते औरी जवाल कइले बा, बतावे कहे का कहे। चैत में राजा हमारा से गेहूं ना कटाई, चैत में राजा सुरेंद्र सिंह से उनकर दोस्त कालस, ए दोस्त काहे खातिर भकुआ के बैठल बड़ा। तब सुरेंद्र सिंह अपने दोस्त से बताओ तुम सुनल चाहत हुआ तला सुना। अरे दोस्त सुनील सोला, दोस्त सुनील सोला भाईल बदी, करे के बाते करे के बाते हमके ससुररी, करे के बाते अरे बेगवा में चाकू धई के, बेगवा में चाकू छुपाई के धैल, सुनील साथ ससुररिया में गईल, करे के बाटे करे के बाटे हमके ससुररिया में खून, करे के बाटे
निकालन ए सुनील, तू हमार दोस्त हुआ ना, दोस्त वो होला कि जवन दुख में शामिल हो खेला। कलन की अरे यार बात का बा, तू अपन बात हमके बतावा। ए बाबू, सुरेंद्र सिंह अपने सुनील नाम के दोस्त से कहलन कि अरे यार इतना रुपया पैसा हमरे ससुरार में भरल बा, सरवा 1,00,000 मंगली आ 1,00,000 रुपया हमके देवे के कोनो तैयार ना भइलन। कलन तब कलन कि कोनो उपाय बतावा, हम इन्हनी के जड़िए से खत्म कइल चाहत हैं। ए भैया, दोनों आपस में बतियेलन, आ आपस में बतिया के अभी नया नया खून बस यार सुनीलवा कल चला यार जौन होई तौन देखल जाई। ए भैया, एगो बैग में चाकू रखलन आ चकुआ रख के हो बाबू चल देहलन दोनों ठे। आ जब चलन हा त देखी गइलन अपना ससुराल में, आ जब ससुराल में गइलन देखी बकायदे से दमाद आइल बा घरे हो बाबू, खूब बढ़िया से सेवा पानी भइल। आ जब सेवा पानी भइल इन्हनी के तो दिमाग में दूसर कुछ घूमता, सब कोई खाना उना खा के अपना अपना बिस्तर पे लेट गईल। आ जब सब अपना बिस्तर पे लेट गईल यहाँ देखी घड़ी 11 बजौले बा। आ जब घड़ी 11 बजौले बा त देखी सुरेश सिंह चाकू निकाल के औरी अपने दोस्त के साथ चलन है। आ जब चलन त गइलन कहाँ अपने दुल्हिया के लगे। जब अपने दुल्हिन के लगे सुरेंद्र सिंह पहुँचलन हो बाबू, हाथ में चाकू जब दुल्हिन देखले बा तो कलस सैया इ चाकू चाकू का करबा ए समय गुर्रा के तकले हुन। आ ज्यों ही चाकू तलन हो बाबू ते एक ठे बात रो रो के कहे लगल, का कलस भैया हाथ में चाकू देखले बा हथवा जोड़ के इहे कहे हो भैया, कवन करन बजनवा कवन करन बजनवा अमर बाय स्वामी जी, कवन करन बजनवा कवने करनवा जनवा कवने करनवा जनवा अरे मर बाय स्वामी जी, कवने करनवा जनवा ऐसा हमके डरवावत न हुआ, हमके डरवावत तना न हुआ। कलस की अरे पगली, मैं तुझे डरा नहीं रहा हूँ, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा, आज यहीं से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। रो रो के एक ठे बात कलस का कहे भैया, कवन खजाना जाके ससुरा में ली होली, रुपया न दी हाली हो रुपया न दी हाली, कई गो करनवा जनवा कवने करनवा जनवा मर बाय स्वामी जी,
पवन करनवा सुरेश के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गई। सैया हमके काहे मारल साथ हुआ, हम तो हसे का कले सैया, हमार कौन गलती बस सैया, हमके खाली हमार गलतियाँ बता दा। हम तो जानकारी में एक ही गलती कैली कि तोहके रुपया ना दियौली बाबूजी से कहके, कौनो गलती ना होला सैया। बाबूजी इतना जल्दी जल्दी में बियाह गौन कैलन, इतना रुपया लागल कहाँ से देतन। ए बाबू डांट करके सुरेंद्र सिंह बोला कि क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, बाबूजी के पास पैसा नहीं है का, तू कहतू तो पैसा ना देता। ए भैया एक ठे बात कलस बिरहा के शैली में बतावे के पड़ल। अरे कसैया कैसे भइला सजना, अरे कसैया कैसे भइला, कसैया कैसे भइला सजना, अरे बांध के डोर हमें सिंदूर के लाज भुलैला, अरे भुलैला। ए सैया उ दिनवा भुला गईला, हमरे संगवा सात फेरा लिहला, कसम खैला कि हम जन्मो जन्म साथ दे, आज उ कसम भुला गईला सैया। लेकिन ए बाबू उ पपिया दोनों कैलन हँ सका कल कि दोनों ई तो बहुत ज्यादे बोल रहल बिया। ए भैया वो दोनों पापी मिलके करत हुवन का कैलन विदेशिया के अंदाज में बतावे के पड़ल। अरे हाथ गोड़े बाधी दिखल अ पपी नीर दैया हो, अरे हो गईली अब लाला चार मोरे बाबूजी, हाथावा में चाकू लेके सुरेंदर खुखर बैला, अरे तलन टैया बद कर मोरे बाबूजी, घरवा में बांधल रंगल पपेरियन सी आई डी कुत्ता, अभो के लगल देखी सबर मोर बाबूजी। ए भैया हाथवा गोड़वा उ दोनों पपिया बांध दी हलो सब, जब बांध के ए बाबू चाकू कवार करे लगलन तो वही घरवा में प्रमाण मिलल सीआईडी कुत्ता जोने कुकुरा का नाम पपेरियन बतावल गई। उ कुत्ता पपेरियन के जब कुछ आभास भइल त लगल भोंके, जब लगल भोंके त भइल का भैया, अरे सुन के आवाज तबल बार मोरे बाबूजी, अरे सुनी लई सारा कैला सुरेंदर सासू के धैला, अरे उनहू के दिगला चाकू मारे मोरे बाबूजी। ए भैया शशि प्रभा जब कुकुर का आवाज सुनली तो अपन बिस्तर छोड़ के इन्हें उन्हें देखा तड़ी। ए भैया निगाह परल अपना दामाद के ऊपर, आ जब दामाद के ऊपर निगाह परल दामाद के हाथ में चाकू जब देखलिन, हो बाबू खून लगल बा, खून से लथपथ बा, जाके आवाज दिलिन कि अरे ई हाथ में चाकू और ई खून कैसन लगल बा। ए भैया तबले सुनील इशारा कैलस, आ जब सुनीलवा इशारा कैलस तबले ई पपिया सुरेंद्रा हो बाबू ध के चला दिहलस चाकू, आ जब चाकू चलल हो बाबू खून से लथपथ
माई गिरल बा धरती पर, आंख से आंसू झरझर झरझर चलत बा, ए भैया जमीनिया पे गिरब न कहा या चाकू, चाकू से वार करब न कहा, इतना चाकू मरलन हो बाबू कि आज शशि प्रभा इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी। कुकुरा लगल और तेज तेज भोंके, जब कुत्ता की आवाज और बढ़ा तबले भइल का, अरे खुल गई नदिया, अरे वो नहू के दिगल पेट फर मोरे बाबूजी। ए भैया देखी दू गो लाश तबा, तीसर का लाश जब बाबू रणबीर सिंह ऐलन हो भैया, तो देखी उहे चकुइया आव न ताव देखलन सपपिया। ए भैया चकुइया से वार करे लगलन, चाकू से इतना वार कैलन हो बाबू कि जब ले रणधीर सिंह ए दुनिया के छोड़ के चल नहीं गइलन। ए बाबू तबले भगवान का मर्जी बारे, भगवान तुहु केहू के संगी का जब खेला करेला। ए मालिक आज जोन बिटिया वही घरवा में ब्यूटी पार्लर खोल ले बा, अवजिया सुन करके जब वो बेटी आई तो वही बेटी के भी चाकू से वार करे लगलन सब। ए भैया प्रमाण मिलल कि एक ही दिन में चार चार हत्या वही घर में हो गई। ए भैया उ पपिया हत्या करके आ कैलन का भैया पापट के अंदाज में बतावे के पड़ल। अरे अपन के दामाद दिया लयाग लगाई नीच कसाई हो, अरे अपन के दामाद दिया लयाग लगाई नीच कसाई हो, अरे सबके दिखले बारी से अलगाई नीच कसाई हो। अरे धन के लोभी धन खातिर अरे जो बना घरिश्ता तोड़ा हो, अरे बन के कातिल ससुरारी में लोहू का रिश्ता जोड़ा हो, अरे खोल के पेटी रुपया चला उठाई नीच कसाई हो, अरे लिहल रिश्ता पीछे दाग लगाई नीच कसाई हो। भैया के अपन समझल जाओ के गैर समझल जा, लोग बतावेला पुरनिया दादा चाचा कहेला आज कभी सोचबा कि हर बेटी बहन का जब शादी विवाह होला त एगो घर छोड़े ले त एगो घर पावे ले। ए भैया एगो माई बाबू छोड़े ले ते एगो माई बाबू पावे ले। आखिर में भइल का भैया अल्लाह के लाइन में प्रमाण मिलल। अरे धनवा के खातिर जो जनवा चाली जाला ये भैया,
साहब के ही इतना था मतलब के साथी है साहब मतलब के भैया सुख में तो सब कोई मिल जाए लेकिन दुख में केहू ना रहेला हो भैया सच्चाई बताई दिल के बात यदि दुख में जे शामिल हो जा सच माने की उहे अपन बा ए भैया आखिर में रात पूरा बीत गई सुबेर का समय भइल आ जब सुबेर का समय भइल ए बाबू ओही गौआ का एगो लईकी जौना लईकी का नाम विनीता बतावल गई विनीता सोचे लगल कि दिन में आज 10 बज गई आ इनके घरे केहू न आना बा न जाना बा न केहू कहीं दिखाई देत बा ए भैया उ विनीतवा नाम का लईकी आ वही घरवा में जाके लगल दरवाजा ठकठकावे आ जब दरवाजा ठकठकौलस देखत बा कि दरवाजा खुलल बा ए भैया दरवाजवा ढकेलस आ जब दरवाजा के ढकेलस हो बाबू तब देखत बा कि इधर उधर पूरा लाश छिटाइल बा अरे बाप रे बाप जब इतना विनीतवा देखलस हल्ला कैलस आ जब हल्ला कैलस हो बाबू तब गाँवपुर के लोग सब जुट गइलन गाँवपुर के लोग जुटला के बाद में केहू फोन कैलस पुलिस थाना पे और पुलिस का लोग जब अइलन त लगलन छानबीन करे आ जब छानबीन करे लगलन तो भिलका खड़ी के अंदाज में बतावे के पड़ल अरे पुलिस प्रशासन गइलन अरे बखलाई वही घरी अरे पुलिस प्रशासन गइला बखलाई वही घरी हत्यारा पचिहा कैसे कैला धुलाई वही घरी प्रशासन आई ले भैया कुछ लोग दो चार लोग मिल के कलन किए भैया इनके घरवा तक कोई आइल गई नहीं बल्कि एगो साथी के संगे कलिया इनके दमदा के देखली आए बाबू घर में देखलन उ कुकुरा वही जब बनले रहे वो कुत्ता के माध्यम से जोनी का नाम पपेरियन बतावल गई वो कुकुर के माध्यम से वो दोनों पकड़ा गईलन ए भैया आखिर में लास्ट में उ दोनों पपियन के जेल भइल लास्ट में बतावल गई गुरघराने का परिचय भैया कैसे गुर बिहारी गुर गणेश गुर राम लाल गुड़कारी आर कविता लिखते राम शिष सातिर डमरुधारी अरे कसैया कैसे भइला सजना कहाँ सीमा सरगम कैसन बा सम